नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं लेके आता हूँ आपके लिए टीचर सिलेक्शन एग्जाम से संबंधित ये टेस्ट सीरीज, जिसे हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें PRT, TGT, PGT के पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं KBS और DSSP जैसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। इसके अलावा अगर आप टेट CTET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो है तो उसे क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे मैंने बताया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। टीचिंग ऑफ मैथ्स के अंदर जब हम आते हैं और उसमें ये पूछा गया आपसे सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है, जो अगर आप असेसमेंट की बात कर रहे हैं किसी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी और डिसेबिलिटी को अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख पा रहा है या प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, मतलब बेस्ट असेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको बताना है कौन सा है। तो ये 4 टेस्ट आपको दिए गए हैं, 4 में से 1 सही है, बाकी 3 गलत होंगे। तो आपको बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है या बेस्ट टेस्ट कौन सा कंडक्ट करा सकते हैं आप जब आप टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात करें। तो ऑप्शन है आपके पास ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट है आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट, थर्ड यानी सी ऑप्शन है आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट, और डी ऑप्शन है आपके पास अचीवमेंट टेस्ट। ये 4 टेस्ट है, इनमें से आपको बेस्ट आंसर आपका आइडेंटिफाई करना है। और चलिए आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर बाद में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब हम टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात करते हैं, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें इसके अंदर, एप्टीट्यूड मीन्स होता है कि किसी भी चीज के बारे में आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी योग्यता कैसी है, आपके दृष्टिकोण कैसा है, उसके बारे में टेस्ट करना। ठीक है, इसमें मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने टेस्ट कंडक्ट किया, स्कोर कितना है, बस आपकी रैंक डिसाइड कर दी गई। लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, रैंक डिसाइड होती है, पर साथ ही साथ इसके एक बात और की जाती है, एक एडिशनल चीज जो इसके साथ की जाती है, जहां भी आप लैग करते हैं, आपका स्कोर कम आता है या एरर करते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को रिपीट ना करो फ्यूचर में, उसके लिए उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। इसलिए इसे मैथ्स में बेस्ट टेस्ट कंसिडर किया जाता है। बाकी स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल या एस्पिरेंट किसी एग्जाम के लिए कंडक्ट किए गए उनके लिए वो एग्जाम, और उस एग्जाम के अंदर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अगर उठाना है उसके अंदर से, यानी उनको सिलेक्ट करना है, तो बाकी अदर को कैसे स्क्रीनिंग करके निकालें। ठीक है, मतलब उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और बात करें अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जैसे आप क्लास में कोई टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने के बाद क्या चेंजेस आए उसे स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप पहले एक प्री टेस्ट लेते हैं, फिर आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद एक पोस्ट टेस्ट लेते हैं। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है मार्क्स में या जो भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है उसे हम अचीवमेंट मानते हैं। तो उस अचीवमेंट टेस्ट को ही यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि जो टीचिंग के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कॉन्सेप्ट मैप आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट बाय। कि टीचिंग आप किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, सोशल स्टडीज में मान लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें मैथ मैप को यूज कर रहे हैं यानी कि मानचित्र को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या शो करता है, क्या अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करेगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास ABCD। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया कि ट्रांसफरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरिया, कि 2 डिफरेंट कंटेंट एरिया हो सकते हैं, वहां से आप नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है बी ऑप्शन में, फोकसिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल, किसी स्पेसिफिक डिटेल के ऊपर फोकस किया जाता है मैप को यूज करके। सी ऑप्शन है आपके पास, सी में बोला जा रहा है आपसे प्रियोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, कि स्टडी के लिए किसी कंटेंट को आप प्रियोरिटाइज कर रहे हैं यानी कि उसकी प्राथमिकता बना रहे हैं, इसके अंदर ये बोला गया है। और डी में आपसे बोला गया इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास लर्निंग के लिए उसे लॉजिकली एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। तो बेस्ट आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर है इसका डी, यानी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है मैप जब आप यूज करते हैं तब आप क्या करते हैं उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप ये बता रहे हैं कि इंडिया में कितने स्टेट है, कितने कैपिटल है, तो ऐसे लिस्ट बनाना तो याद नहीं है, तो लेकिन आपने क्या किया जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपने बोला बेटा पहले ऐसा करते हैं नॉर्थ टू साइड
साउथ चलते हैं, यानी ऊपर से नीचे। तो आपने सबसे पहले बताया जेएनके है, जेएनके के बाद आप बोल रहे हैं कि हिमाचल है, हिमाचल के बाद हरियाणा, और इधर साइड में पंजाब है, ऐसे करते 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 अभी लास्ट में बोल रहे हैं कि तमिलनाडु और केरला है। तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते, इसी में आप ये बोलते हो कि अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होकर आप गुजरात की तरफ मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप मूव कर रहे हो। तो एक डायरेक्शन आपने यूज किया, एक मैप को एक सेंट्रलाइज तरीके से यूज किया। तो इसमें क्या किया, आपने जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसे आपने एक ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसे पढ़ना समझना एक लॉजिकल लॉजिक लगा के लॉजिकल तरीके से इसको स्टोर करना भी ईजी होता है, और फिर इसका यूज भी करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अब अल्बर्ट बंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट थे, जो कनाडा अमेरिका बेस्ड एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी काफी थ्योरीज दी है साइकोलॉजी में। तो आपको उसके रिगार्डिंग में, सोशल लर्निंग के रिगार्डिंग में, आपके पास ये चार स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू का मतलब यहाँ करेक्ट है, बाकी अदर देन दैट थ्री स्टेटमेंट वहां पर रॉन्ग है, एक सही है बाकी तीन गलत है। आपको आइडेंटिफाई करना है सही वाला कौन सा है। तो फर्स्ट देख लेते, फर्स्ट है आपका प्लीज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रियोरिटी इन स्कूल, कि इनका कहना है कि सोशल लर्निंग के लिए प्ले जो है, खेलना जो है, बहुत जरूरी है, और इसको स्कूल की करिकुलम में एक एसेंशियल पार्ट होना चाहिए, बहुत अनिवार्य होना चाहिए इनका कहना, और इसको प्रियोरिटी दी जानी चाहिए, ऐसा कहना है अल्बर्ट बंदूरा का। नेक्स्ट बोला जा रहा है मॉडलिंग इज ए प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग टू लर्न, कि मॉडलिंग करना, एक मॉडल की तरह प्रेजेंट करना किसी चीज को, वो एक तरह से प्रिंसिपल वे ऑफ लर्निंग है, ये बोला जा रहा है हमारे अल्बर्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट सी ऑप्शन में आपसे बोला जाए एन अनरिसॉल्व्ड क्राइसिस कैन बी हार्म अ चाइल्ड, कि किसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं है, अगर उस तरह की जो क्राइसिस है, ये बच्चे को, बच्चे के लिए हार्मफुल है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये हार्मफुल है, ऐसा बोल रहे हैं सी ऑप्शन में। और लास्ट ऑप्शन आपके पास जो डी है, डी में आपसे बोला जा रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सोशल डेवलपमेंट के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट है, वो डिफरेंट है, ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भी सोशल लर्निंग के लिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके पास। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस कैन हार्म अ चाइल्ड, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ले रहे, कोई ऐसी क्राइसिस आप लेके चल रहे हैं बच्चे के सामने जो कि सॉल्व नहीं है। मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्राइसिस है, और उस बीच अगर आप जाकर के सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर दे, तो वो फिर वो प्रॉपर जो आप आउटपुट जो चाहते हैं वो आउटपुट आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि बच्चे उस चीज को ग्रोथ करे, उस चीज का बेनिफिट उठाए, जब रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो किस तरह से आप इस उम्मीद कर रहे हैं कि उसका बेनिफिट आपको, बच्चे को मिलेगा, तो नहीं। तो कहने का मतलब इनका ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो अनसॉल्व्ड है, उनका आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, अभी भी वो प्रॉब्लम को एज इट इज लेके कैरी कर रहे हैं, और उसके साथ आप सोच रहे हैं कि बच्चे को बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हो, चेंज नहीं आ सकता, पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, देन आफ्टर आपको बच्चे पे फोकस करना, ये बोला जा रहा है इसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व, कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या इन्वॉल्व करता है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, तो देख लेते हैं वन बाय वन एक एक ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जाए रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है इसके अंदर क्या किया जाता है कि जनरल, पहले सिंपल टर्म से लेकर के किसी स्पेसिफिक टर्म की तरफ मूवमेंट होती है, यानी कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, तो ये आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो फर्स्ट ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से जब आप जनरल टॉपिक के ऊपर से बात करें, तो ये जो आपका मेथड होता है, ये जो आपका प्रोसेस या अप्रोच होता है, इसे बोला जा रहा है कि डिडक्टिव रीजनिंग है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि जब आप नॉलेज का एक्टिव रूप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं कर भी कर रहे हैं एक्टिव रूप से, तो उसे इसका पार्ट माना जाता है डिडक्टिव रीजनिंग का। और लास्ट जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है मेथड इंक्लूडिंग इंक्वायरी लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक, कि मेथड ऐसा मेथड जो इंक्लूड करता है लर्निंग, लर्निंग के अंदर इंक्वायरी को और ह्यूरिस्टिक वे को, तो ये पार्ट है डिडक्टिव रीजनिंग का। तो आपको सही आंसर आपका आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट, तो एक बार अटेम्प्ट करिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। यानी कि जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब यह है कि किसी जनरल टॉपिक से जब आप स्पेसिफिक की तरफ जब मूव करते हैं, ठीक है, तो उस अप्रोच को हम कहते हैं कि ये जो अप्रोच जो शामिल होता है वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, व्हेन चिल्ड्रन लर्न ए कॉन्सेप्ट एंड यूज इट। जब एक बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को सीखता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है, एंड प्रैक्टिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द एरर, और उसका जो प्रैक्टिस है उसको हेल्प करता है कि जो भी उसने एरर किया उसको रिड्यूस करता है। पहले ज्यादा गलती करता है, मान लीजिए आपने कोई मैथ्स का सम्स दे दिया आपने सॉल्व करने बच्चे को, ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है, पहले मान लीजिए 10 मिस्टेक कर रहा है, फिर प्रैक्टिस करा रहे हैं आप 10 की जगह, फिर 8 मिस्टेक हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2, तो धीरे धीरे पहले वो गलतियां कर रहा था, फिर बाद में गलतियां कम कर रहा है, और लास्ट में जाके उसने गलतियां करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये जो चीज है, ये जो चीज आ रही है रिड्यूसिंग द एरर कमिटेड बाय देम, कि जो उसने जो एरर किया था एरर को कम करता चला जा रहा, तो ये क्या है, अब किसके बारे में आपको बता रहा है, दिस आइडिया वाज गिवन बाय, ये जो आइडिया है किसने दिया था। तो चार साइकोलॉजिस्ट के नेम्स गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको बताना है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ईएल थॉर्नडाइक, बी में आपके पास जीन पियाजे, सी जेबी वॉटसन, और डी में आपके पास लेव वाइगोत्स्की। तो ये चारों में से सही आंसर क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपने साइकोलॉजी में जो थ्योरीज है, थ्योरीज को अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और एग्जाम में 2-3 थ्योरी तो आपसे पूछी जाएगी, आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो जाइए, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कैसा भी एग्जाम हो आराम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे सीटेट हो या फिर डीएसएसबी के भी, सब में ही पूछे जाते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट करिए फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर इसका ए है, ईएल थॉर्नडाइक। आपने अपने टीचिंग कोर्स के ड्यूरेशन में आपने पढ़ा होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है ये थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। इस मेथड में क्या होता है कि बच्चा पहले ट्राई करता है, यानी कि ट्राई करता है, फिर मिस्टेक करता है, ट्राई करता है, मिस्टेक करता है, ट्राई करता है, मिस्टेक करता है, जो एरर्स हो रहे हैं फिर एरर्स के ऊपर स्टडी करके धीरे धीरे एरर को मिनिमाइज करता है, कम करता है, और इस तरह जो चीजों को सीखते हैं, ठीक है, जो लर्निंग का ये जो थ्योरम है, कह लीजिए ये जो मेथड है आप कह सकते हैं, ये जो है ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। बाकी आपको जीन पियाजे के बारे में भी पता होना चाहिए, जेबी वॉटसन के बारे में भी पता होना चाहिए, वाइगोत्स्की के बारे में। जीन पियाजे का जो मेनली जो फोकस था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर था। हाँ, वॉटसन का भी कॉग्निटिव का था, पर ये सोशल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ था, ठीक है, और इसी तरह से वाइगोत्स्की ने भी डेवलपमेंट को ही ज्यादा फोकस किया था। यानी कि ये जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रिलेट करके ही चीजों को बात काफी रिसर्च किया इन लोगों ने, इसलिए ये लोग काफी फेमस भी, और इनकी जो थ्योरीज हैं आपकी वन बाय वन सबकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमेशा पूछी जाती है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में जरूर स्टडी करिएगा। अगर आप चाहते हैं इनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं बना भी सकता हूं, और जीन पियाजे के ऊपर इसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिस्कस किया उसके अंदर, तो देख लीजिएगा, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद द इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको बताना कि उससे रिलेटेड कौन सी स्किल जो है ये एसोसिएट है, इन चारों में से कोई एक स्किल है जो कि एसोसिएट है, जो जुड़ी हुई है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जो कि भावुक या जो होते हैं, जो इमोशनली जो बोलते हैं ना, कुछ लोग इमोशनली ज्यादा होते हैं कम होते हैं, जो उसका एक एप्टीट्यूड होता है, उसकी इंटेलिजेंस ही होती है, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्किल ज्यादा यहाँ पे एसोसिएटेड है, ज्यादा वेटेज दी गई है आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि मेमोराइजिंग, कि जो ज्यादा याद करता है वो ज्यादा ही इमोशनल होता है, ऐसा बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है मोटर प्रोसेसिंग, जो मोटर डेवलपमेंट जो होता है, मोटर प्रोसेसिंग स्किल की सबसे ज्यादा अच्छी है, मतलब कहने का मतलब ये मोटर डेवलपमेंट जिस बच्चे का अच्छा हुआ है वो इमोशनली जो है वो ज्यादा मतलब बेटर है वो, या फिर बोले हम इमोशनली वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट सी में बोला गया है, सी में आपसे बोला गया इनवाइजिंग में, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले से ही आप परिकल्पना बना ले रहे हैं, फिर उसके बारे में पहले से हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा वगैरह वगैरह। और डी में आपसे बोला एम्पैथी से रिलेटेड है, जो कि एम्पैथाइजिंग जो है, जो सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर एम्पैथी रखता है वो ज्यादा एसोसिएटेड है इमोशनल इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर क्या है आपको ये चूज करना है, आपके पास चार ऑप्शन है।
तो करेक्ट आंसर इसका डी हो गया, यानी कि एम्पथाइजिंग। एम्पथाइजिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो किसी भी चीज को लेके एम्पथी, सेम्पथी, एम्पथी जो रखता है किसी चीज, किसी पर्सन को लेकर के, किसी थिंग्स को लेकर के, वो इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंस है ये बोला जा रहा है, और वो इमोशनली ज्यादा एसोसिएटेड स्किल ये है इसके अंदर। करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड कंपेल ए बिहेवियर रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द टू दैट पर्सन। कि आपको ये बताना है कि इनर फोर्स जो हमारे अंदर से आती है, स्टिमुलस, और जो हमें कंपेल करती है किसी बिहेवियर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, अपने किसी व्यवहारिक कार्य का एक्टिविटी के लिए जो हमें इंपेल करती है, हमें को एक तरह से जोर लगाती है, हमारे अंदर से जो आता है फोर्स जो आता है, वो किससे रिलेटेड है? जो चार जो टॉपिक आपको दिए गए इनमें से कौन किससे रिलेटेड आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आपके पास मोटिव है, सेकंड आपके परसेवरेंस है, और सी में आपके पास है इमोशन, और डी में आपके पास है कमिटमेंट। और आपको जो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है ये साइकोलॉजी में जो टर्म्स यूज किए उससे रिलेट को रिलेट करके आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चार ऑप्शन है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो ये जो करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए यानी कि इसका जो आंसर है मोटिव, कि किसी चीज को लेकर अगर आप किसी काम को करने में अगर आपका मोटिव रहता है तो आप क्या होता है, आपकी इनर फोर्स आपके अंदर लगती है, बार बार आप स्टिमुलेट होते हैं किस काम को लेकर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले एक थ्योरी है जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया आपसे कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल जो उन्होंने डॉग लिया हुआ है, आपने क्लासिकल कंडीशन थ्योरी अपने लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है, जो डॉग होता है उसको बार बार पहले बेल बजाई जाती है, ठीक है, उसके बाद उसे कुछ खाना दिया जाता है, तो यानी कि वो कंडीशनिंग हो जाता है कि बेल जब भी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। तो ठीक है, तो एक बार क्या किया जाता है कि बेल बजा दी जाती है, खाना नहीं दिया जाता है, लेकिन वो स्टिमुलेट हो चुका है उस चीज के लिए कि बेल के बाद खाना मिलेगा, लेकिन नहीं दिया जाता तो उसके मुंह में जो लार टपकती रहती है, ठीक है, तो ये एक तरह से बिहेवियर कंपेल है उसके अंदर हो जाता है कि भी बेल जब भी बजेगी बेल के बाद उसे खाना मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं, क्लासरूम का एग्जांपल, जैसे बच्चा क्या होता है जब भी किसी टीचर को देता है, देखता है तो हमेशा वो गुड मॉर्निंग बोलने की उसकी आदत होती है, यानी कि वो एक तरह से कंपेल हो गया कि टीचर को देखना है तो विश करना है, ठीक है। तो कई बार जब आप स्कूल के बाहर भी बच्चे से मिलते हैं, शाम को बच्चे से मिलते हैं, तो शाम को भी बच्चा क्या करता है, आपको गुड मॉर्निंग विश करता है, ठीक है, यानी कि बच्चा यहाँ पे कंपेल हो गया कि टीचर, अपने टीचर से मिला, उसने देखा टीचर है तो उसको विश किया, लेकिन ये भूल गया कि भी सुबह गुड मॉर्निंग तो सुबह बोलना होता है, शाम को तो नहीं बोलना, शाम को तो गुड इवनिंग बोलना, लेकिन वो बच्चा कंडीशनिंग हो चुका है, यानी कि एक तरह से मोटिव हो चुका है उस चीज के लिए, अंदर से मोटिवेट हो चुका है उस चीज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म मोटिवेशन। कि मोटिवेशन के की प्लेस पे उसको इंटरचेंज करके कौन सा टर्म ज्यादातर यूज किया जाता है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इंसेंटिव, इमोशन, नीड और इंस्पिरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को गलत करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपको लगेंगे चारों जो ऑप्शन है चारों लगभग लगभग सिमिलर है, ठीक है, और कई बार तो आपको लगेगा ये सिनोनिम्स हैं भी, ऐसे भी लगेंगे ये सिनोनिम्स से एक दूसरे के, तो ऐसे भी लगेगा, लेकिन हमें जो लेके चलना है, हमें जो एक बच्चे के हिसाब से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, इंसेंटिव है, सेकंड इमोशन है, थर्ड आपके पास नीड है, और लास्ट में जो डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन में आपके पास है इंस्पिरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका, इसका सी है, डी है, अब सी है, सॉरी सी, यानी कि नीड है। अब नीड क्यों है, नीड इसलिए है कि जब आपकी किसी काम को करने के लिए आपकी नीड है, मान लीजिए आपको खाना खाना है, भूख लगी है, तो भूख को मिटाने के लिए आपकी नीड है, तो उसके लिए आप क्या मोटिवेट है कि आपको खाना अरेंज करना है या खाना कुक करना है या खाना कहीं से गैदर करना है, ठीक है। तो यानी कि आप मोटिवेशन कहां से आता है, जब आप किसी चीज के लिए नीड है, अगर नीड नहीं होगी तो मोटिवेशन होगा ही नहीं, तो ये इंटरचेंजेबली है, अगर नीड होगी तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन अगर है तो कुछ ना कुछ नीड है, इसके वेबसाइट में जाकर के ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। कई बार आपको लग रहा होगा कि ये मोटिवेशन और इंसेंटिव एक दूसरे को एक रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ रिप्लेस करना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चन में आपको इंटरचेंजेबल बोला है जिसकी वजह से इंटरचेंज होता है, मतलब कहने का मतलब नीड की वजह से ही आप मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, हो गया करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, डैश मोटिवेट्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग
स्टेट एंड टू बी ऑब्टेन पर्सनल गोल, कि इनमें से क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है डील करने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल गोल के लिए। तो इन चार ऑप्शन है आपके पास, चार में से एक सही है, बाकी तीन गलत है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या चीजें जो आपको मोटिवेट करती है इस चीज को डील करने के लिए, जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो पर्सनल गोल है उसको अचीव करने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा क्या आपको मोटिवेट करती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह ही, तो आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास इफेक्टिव, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आपसे अफेक्टिव, सी में बोला जा रहा है आपका प्रजर्वेशन ओरिएंटेड, और डी में आपसे बोला जा रहा है सेफ्टी ओरिएंटेड। तो चार ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट करिए। तो सही आंसर जो है इसका, सही आंसर है आपके इसका बी, बी यानी कि अफेक्टिव। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये इफेक्टिव अफेक्टिव दोनों एक जैसी चीज लग रही है, कि दोनों में अंतर क्या रह गया। अब बताते दोनों में अंतर क्या है। इफेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज पे प्रभाव पड़ना, ठीक है, उस पे जो अंतर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद। और अफेक्टिव का मतलब है अंतर तो आएगा इसके अंदर भी, लेकिन इसमें जो अंतर आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। इफेक्टिव के अंदर समथिंग चेंज, बट अफेक्टिव के अंदर जो है चेंज आएगा, और वो पॉजिटिवली जो चेंज आएगा उसकी बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से हो गया वो हो गया आपका बी, यानी कि अफेक्टिव मोटिवेट्स करती है आपको डील करने के लिए, जो भी आपकी पर्सनल गोल को या पर्सनल लेवल पर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, कि किसी काम को पूरा किया जाए या किसी गोल को अचीव किया जाए। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो गया, करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर डेट अफेक्ट लर्निंग पॉजिटिवली, कि इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि लर्निंग को यानी कि अधिगम को, सीखने को सबसे ज्यादा पॉजिटिवली उसमें प्रभाव लाते हैं, ठीक है, उसपे पॉजिटिवली उस पर अफेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि आपको जब एज ए लर्नर जब आपके अंदर ये डर है कि आप फेल हो सकते हैं, तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, और फिर जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि आपकी जो लर्निंग के अंदर है तो पॉजिटिवली चेंज आए, और चेंज इन बिहेवियर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये बोला जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है कि कंपटीशन विद पीयर, जब पीयर के साथ यानी पीयर के जो आपके साथियों के साथ जब कॉम्पिटिशन होगा तब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालती है पीयर ग्रुप का जो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कॉम्पिटिशन इन्वायरमेंट जब क्रिएट होता है तब जाके लर्निंग पॉजिटिवली होता है। सेकंड में बोला गया है कि थर्ड में बोला गया आपके मीनिंगफुल एसोसिएशन, जब आप किसी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को जब आप मीनिंगफुल तरीके से उसको एसोसिएट कर लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ में लर्निंग को, तो वो सबसे ज्यादा अफेक्टिव हो जाती है आपकी लर्निंग के, और वो आपके लिए सबसे ज्यादा चेंजेस लाती है आपके बिहेवियर में, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के द्वारा। अच्छा डी में क्या है, डी में आपसे बोला जा रहा है प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होगा स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा चेंजेस लेके आएगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो बिहेवियर में जो चेंज आएगा लर्निंग के बाद वो सबसे ज्यादा आएगा प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप अगर बच्चे के अंदर प्रेशर डाल लें, उसे किसी चीज के ऊपर दबाव डालते हैं, तब जा करके जो बच्चा ज्यादा अच्छा सीखेगा। तो सही आंसर क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, चार ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह। तो करेक्ट आंसर जो इसका, करेक्ट आंसर इसका सी है, यानी कि मीनिंगफुल एसोसिएशन। अब डिटेल में बात कर लेते हैं ऐसा क्यों। अगर मान लीजिए फियर रहेगा, तो फियर रहने से मतलब ये है सिंपल सिंपल कि वो अपने 100% कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इट मीन्स पॉजिटिव तो हो ना हो लेकिन नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में बोला गया कंपटीशन विद पीयर, हाँ पीयर के साथ अगर कंपटीशन लेवल अगर है तो इसके भी चांसेस हैं कि पॉजिटिव चेंजेस लेके आए, लेकिन कई बार क्या होता है पीयर ग्रुप का प्रेशर की वजह से, अच्छा स्कोर ना करने की वजह से, कई बार क्या होता है जब जैसे अपने पुराने कुछ सालों में सुना होगा कि फला फला स्टूडेंट जैसे बीटेक वगैरह जब स्टूडेंट कोई करता है, और स्कूल से जब कोई सडनली जब कॉलेज में मूव करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो लेवल ऑफ लर्निंग है, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है अपने पीयर्स की तरफ से, जो अपने जो साथी लोगों की तरफ से, वो हैंडल नहीं कर पाता, और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि कोई बच्चा, नया बच्चा है, किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करता है
पुराने स्कूल से नए स्कूल में, तो पुराने स्कूल में हो सकता है उसका लेवल कम था, लेकिन अब इसको नए स्कूल में उसके जैसे और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वो जो कंपटीशन उसको दे रहे हैं उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहा, उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से भी उसके अंदर क्या आती कि पॉजिटिव चेंज आने की जगह वहां पे क्या आ जाता है, वो स्ट्रेस में चला जाता है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो इफेक्ट है इसका, पॉजिटिवली चेंजेस तो आते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है, तो यानी कि इसलिए हम इसे बेटर आंसर इसे हम चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने जैसे बोला है कि मीनिंगफुल एसोसिएशन, हाँ मीनिंगफुल एसोसिएशन कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी, जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एसोसिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद लर्निंग करते हैं, तो आप ये समझ लेते हैं कि इस चीज का यूज यहां पर है, ठीक है। तो आप जब ये चीज समझ लेते हैं उस टॉपिक का, उस कंटेंट का, अब डेली लाइफ में यूज समझ लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, तो आप उतने ही फोकस होकर के उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ताकि आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सके, और जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को अपनी लाइफ में भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके बिहेवियर में आ जाता है। लर्निंग तो चली रही है, कहने का मतलब है थ्योरी तो आपकी हो ही रही है, और साथ के साथ जब आप क्या कर रहे हो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हो उस चीज का, तो वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि वो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल एसोसिएशन बन जाता है आपके साथ, और ये लर्निंग के अंदर हमेशा पॉजिटिव चेंज लेके आता ही आता है। प्रेशर से कभी नहीं हो सकता, प्रेशर पेरेंट्स कितना भी दे दें, प्रेशर से हमेशा पॉजिटिव चेंज आए ये कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये डी गलत हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो गया सी हो गया। द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डील बाय स्टेनबर्ग ट्रायार्चिक थ्योरी एक्सेप्ट। स्टेनबर्ग की जो ट्रायार्चिक थ्योरी है जिसमें थ्री पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, जो इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसका नाम ट्रायार्चिक थ्योरी है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट को यूज किया गया है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टर्म है जो यूज नहीं किया इन्होंने, यानी कि तीन तो करेक्ट है इसके अंदर चार में से एक गलत है, तो गलत कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना है। एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़ करके, यानी कि जिसे इन चारों में से उसने डील नहीं करता है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वह कॉम्पोटेंशियल, बी ऑप्शन आपके पास है सोशल, सी ऑप्शन है आपके पास एक्सपेरिमेंटल, और डी ऑप्शन है आपके पास कॉन्टेक्चुअल। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो करेक्ट आंसर जो इसका मतलब, यानी कि करेक्ट आंसर का मतलब है जो इस थ्योरी के अंदर नहीं आता है वो है बी, यानी सोशल, यानी कि स्टेनबर्ग जो थे उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को अपनी थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। इंटेलिजेंस की थ्योरी थी यानी कि उसको कंपोनेंट के ऊपर डील करती है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डील करती है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर डील करती है, सोशल एस्पेक्ट को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने रखा था ट्रायार्चिक थ्योरी। ट्रायार्चिक थ्योरी रखने का एक सिंपल सा रीजन ये था कि तीन कंपोनेंट को उसने उसके अंदर तीन थ्री फैक्टर को डील कर दी, इसलिए उसका नाम ट्रायार्चिक थ्योरी रखा गया था। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी एम्फेसाइजेस, कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर वो किस चीज के ऊपर डील करती है, आपको ये बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है और चार में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन दिया गया, बाकी तीन ऑप्शन आपके गलत है, तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे अटेम्प्ट करना है। चलिए अटेम्प्ट करिए एक बार, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए ए, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की वो एम्फसाइज करती है जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर, ए ऑप्शन में बोला जा रहा है। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो बच्चों के द्वारा लर्निंग के लिए अधिगम के लिए जो यूज की जाती है, आपको ये बोला जा रहा है कि उसके अंदर जो कॉमन एबिलिटी है उसके बारे में डील करती है, ये बोला जा रहा है आपसे। सी ऑप्शन में बोला गया द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी काम को करने का हर अलग अलग तरीके से वो चलता है, और उस अलग होने की वजह से हर किसी की अलग सोच, अलग हैबिट, अलग हॉबीज होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ा यूनिक होती है, और यूनिक पर्सनैलिटी होने की वजह से उनकी एबिलिटी भी बिल्कुल यूनिक होती है, तो ये उस चीज पर डील करता है हार्वर्ड गार्डनर की ये थ्योरी। और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट, कि स्कूल के अंदर बच्चों को किसी चीज के अंदर जो कंडीशनिंग कर दिया जाता है, यानी किसी चीज के लिए जो कंडीशन बना दी जाती है, कंडीशनिंग कर दी जाती है कि पहले ये स्टेप होगा उसके बाद ये स्टेप होगा, ये जैसे आप स्कूल में एंटर करते हैं तो जैसे बच्चा कंडीशन हो गया, पहले सबसे पहले असेंबली होगी, असेंबली के बाद अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस के बाद ये टीचिंग होगी कुछ पीरियड, फिर लंच होगा, लंच के बाद भी कुछ पीरियड
टीचिंग होगी, फिर छुट्टी होगी। तो एक तरह से बच्चों को हमने क्या किया, कंडीशनिंग कर दिया, डेली उस रूटीन को हम फॉलो करते हैं और बच्चा उस चीज के लिए यूज टू हो गया। तो इस तरह से बताया जा रहा है आपसे कि ये किसी चीज के लिए बच्चों को कंडीशन कर देते हैं किसी स्किल के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपके लिए सी, यानी कि द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल। यानी हार्वर्ड गार्डनर जो डील करते हैं अपनी स्टोरी के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंसी, वो फोकस करते हैं, इन्फेथाइजिस करते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटी होती है और यूनिक एबिलिटी को ही हमें फोकस करना चाहिए। मान लीजिए प्रॉब्लम सबके सामने सेम होता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डील करना, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है। हर इस सेम प्रॉब्लम को हर कोई अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इसे डील करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यानी कि उसका एक यूनिक मेथड होता है, यूनिक एबिलिटी होता है, और इस चीज के ऊपर ही हार्वर्ड गार्डनर काफी फोकस करते हैं कि इस मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आपका सी, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द साउंड टी एच पी एच सी एच आर, ये जो साउंड क्रिएट होता है टी एच पी एच सी एच, इस तरह के जो साउंड क्रिएट होता है ये किससे डील करते हैं, किससे लगता है, किससे मिलता जुलता है, इस चार फैक्टर जो आपको दिए गए हैं, इस टर्म जो आपको दिए गए, ये किससे मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है मोरफोमिक्स, ये इससे इससे रिलेटेड है। सेकंड जो बी ऑप्शन है आपके, उसमें बोला है गारफेमिक्स है, और सी ऑप्शन में बोला है लैक्सेमिक्स, इससे रिलेटेड है, और डी ऑप्शन जो आपके पास है फोनिमस, ये इससे डील करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि क्लासरूम के अंदर जब आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग का मतलब है यहाँ पे टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ उर्दू हो जाएगा, टीचिंग ऑफ पंजाबी है, यानी किसी भी लैंग्वेज को टीचिंग के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है, कोई भी टीचिंग की लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि आप टीजीटी पीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत या कुछ और भी सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज में काउंट होती है उसके अंदर अगर है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये बताना है ये किसका पार्ट है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर इसका फोनोमिस, फोनोमिस फोनेटिक साउंड जो होता है, यानी कि सिलेबल्स जो होता है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर कि किसी भी साउंड को कैसे लिखा जाता है, किसी भी साउंड को कैसे लिखा है, ये चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स को डील करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो फोनोमेस है। तो वो फोनोमेस से ही ये तीनों साउंड क्रिएट होते हैं, यानी कि ये टी एच जो है या पी एच जो है या सी एच जो है, ये एक्चुअल में हिंदी के जो टर्म है, हिंदी के जो लेटर है, अक्षर है, उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट के लिए इन दोनों को जो दो लेटर को ज्वाइन किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये डील करता है अपने फोनेटिक्स से रिलेटेड है, ये फोनेटिक्स उनका पार्ट है, इसलिए फोनोमिक्स इससे रिलेटेड है ये। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी हो गया। ये काफी यूजफुल है अगर आप किसी लैंग्वेज टीचर हैं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज टीचिंग को एज अ टीचिंग को अपने प्रोफेशन में लेके आते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेनोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, एक टीचर को एक मतलब स्टेनोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि ओल्ड ट्रेडिशनल रिजिड ट्रेडिशनल उसकी बात की जा रही है कि क्लासरूम के अंदर जेंडर से रिलेटेड जो ओल्ड ट्रेडिशनल है, कुछ रिजिड ट्रेडिशनल है, आप चाहते हैं कि वो चीजें आपके क्लासरूम के अंदर ना हो, उसे अवॉइड करें, जो पुरानी कुरीति कह लीजिए एक तरह से, जो पुरानी कुरीति आप चाहते हैं उस चीज को अवॉइड करें क्लासरूम के अंदर, किसी भी बच्चे को इस चीज के बिहार पर बायस ना होना पड़े, उसको अच्छे से मतलब डील किया जा सके, उसके लिए आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वन बाय वन पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, उसमें बोला जा रहा है ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, कि बॉयज एंड गर्ल्स जो आपकी क्लास के अंदर है, बॉयज गर्ल्स दोनों को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में रखिए, उसे आप ये ट्रेडिशनल तरीके से मत चलने दीजिए, थोड़ा सा वाइड कर दीजिए दायरा को, थोड़ा सा अलग हो जाइए, थोड़ा सा ट्रेडिशन को भूल करके, क्योंकि बच्चा जो आ रहा है यहाँ पर किसी चीज को लर्न करने के आना, पुरानी चीजें से थोड़ा अपने अंदर डेवलप करने आ रहा है, यानी कि नई चीजें सीखने आ रहा है, तो नॉन ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए बॉयज को भी और गर्ल्स को भी दोनों। एज ए टीचर आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है अप्रिशिएट स्टूडेंट्स,
कि स्टूडेंट को आपको अप्रिशिएट करना है कुछ इस तरह से, गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है, अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन करता है, अपनी लर्निंग एबिलिटी को अच्छे से शो करता है, तो आप इस तरह से भी उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं बोल करके कि गुड गर्ल या गुड बॉय, या इस तरह से बोल के आप बच्चे को मोटिवेट और अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन सी जो है, सी के अंदर आपसे बोला जा रहा है डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग। रेसलिंग यानी कि कुश्ती वगैरह जो गेम्स होते हैं उसमें आपने क्या करना है, जो गर्ल्स वगैरह जो पार्टिसिपेट करती हैं उनको डिस्करेज करना है, यानी कि उनको मोटिवेट नहीं करना है इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए। यूजली ऐसा माना जाता है रेसलिंग जो गेम होता है, ये कंसिडर किया जाता है कि ये लड़कों का खेल है, पर ये तो ओल्ड ट्रेडिशनल है, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशनल। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे जो सी ऑप्शन क्या, मैं वो बता रहा हूँ कि आपसे बोला जा रहा है कि आप डिस्करेज करिए गर्ल को, लड़की को डिस्करेज कर लिए कि वो रेसलिंग जैसी चीजों पर पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, ये है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि इनकरेज करना है बॉयज को टू टेक रिक्स एंड बी बोल्ड। बॉयज को अब इनकरेज करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिक्स ले अपने काम को करने में और थोड़ा बोल्ड होकर के काम करें, आगे बढ़ के काम करें। इसलिए चीज के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, ये बोला जा रहा है आपसे ऑप्शन डी के अंदर। तो चार ऑप्शन है आपके पास, वन बाय वन हमें उस हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा जो हम ओल्ड रिजिड ट्रेडिशन को जो ब्रेक करता हो। जैसे मान लीजिए अब रेसलिंग की बात है, ये तो ओल्ड रिजिड ट्रेडिशन है, तो हमें तो इसको ब्रेक करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज नहीं करना लड़कियों को, तो सी ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बॉयज को आपको अप्रिशिएट करना है या इनकरेज करना है, ऐसा नहीं है, बॉयज को नहीं, दोनों को ही करना है आपको, ठीक है। तो यहां भी गड़बड़ ये होगी, सिर्फ बॉयज को बोला गया, दोनों को इनकरेज करना है, तो यानी कि डी ऑप्शन भी एकदम गलत हो गया। यानी कि सी और डी तो एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल रॉन्ग दिख रहे हैं, सी और डी बिल्कुल ही गलत दिख रहे हैं। अब बाकी देख लेते हैं ए और बी में क्या है। तो ए में जैसे बोला है कि ट्राई टू पुट बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, नॉन ट्रेडिशनल रोल यानी कि ट्रेडिशन से हटके काम से, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि इसने आपने क्या किया कि ट्रेडिशन से हट करके काम कर रहे हो, थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हो, जो ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि जो रिजिड ट्रेडिशन उसको आप अवॉइड करोगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो करेक्ट हो गया। अब बी गलत क्यों, बी के गलत होने का एक सिंपल सी रीजन है कि आप गुड गर्ल या गुड बॉय जब बोल रहे हो तो आप किसी जेंडर को इंडिकेट कर रहे हो, जब बॉय बोल रहे हो तो लड़कियों की एक समूह की बात करे जा कर रहे हो, गर्ल्स को, तो यहाँ पे ये जो है पुराना ट्रेडिशन ही चल के आ रहा है, यानी कि आपने क्या किया कि एक जेंडर को क्लासिफाई कर दिया कि उसे गर्ल्स की कैटेगरी में या बॉयज की। हमें इस तरह से नहीं, हमें गुड भी बोल के, वेरी गुड बच्चा है ऐसे बोल करके भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ, बॉयज या गर्ल बोल के पर्टिकुलर एक जेंडर की प्रेस किया, दूसरे का नहीं किया, तो यहाँ पे भी बाइजनेस वाली बात आ गई। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह से, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस, टू स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए, डील करने के लिए ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा बोला जाना कि एज ए स्कूल, यानी कि स्कूल का मतलब सब टीचर स्टूडेंट सब जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है सबकी बात की जा रही है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ स्कूल, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए, उसे डील करने के लिए आपको ये करना चाहिए। तो चार ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके ऑप्शन पहले रीड करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि पहले जो हर बच्चे के इंडिविजुअल बच्चों के अंदर जो गैप आता है, ठीक है, उसको हमें कम करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ढंग से टैकल करें, कैटर करें, उसे डील करें। तो हमें जो गैप आता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के अंदर, उस गैप को फिल करना, उसको नैरो कर देना, नैरो करने का मतलब उसे कम कर देना है यहाँ पे। अच्छा, बी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में इवन आउट एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, कि इवन आउट करना चाहिए, मतलब बराबर बराबर करना चाहिए, एक इवन रहना चाहिए, ऑड नहीं करना चाहिए। ऑड का मतलब और इवन का मतलब यहाँ पे ही है, ऑड का मतलब होता है कि एकदम ही अलग, इवन का मतलब है सबका एक जैसा समान प्रदर्शन होना चाहिए, एक जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए सारे स्टूडेंट को। तो इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए जब बच्चा अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करता है, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ स्कूल, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। और सी ऑप्शन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट्स आर लेबल और अनेबल टू लर्न, कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हमें ये कैटर करना चाहिए, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कोई एक स्टूडेंट किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट को क्यों नहीं सीख पा रहा है, या उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसकी एबिलिटी उस चीज के ऊपर डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है,
इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। इंडिविजुअल डिफेंस का मतलब उसको जो कैटर करने, उसको डील करने का मतलब ये है कि अगर वो कोई बच्चा किसी चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल अटेंशन हमें उसको बच्चे को पे करना चाहिए। इस चीज के ऊपर ये ऑप्शन सी आपसे बोला जा रहा है। और डी में ऑप्शन जो है उसमें आपसे बोला जा रहा है मेक इंडिविजुअल स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, कि हर एक इंडिविजुअल जो बच्चा है उसमें ये अनुभव करवाना चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है, उस तरह का महसूस कराना चाहिए हमें, एक फीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए हमें, ये बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए स्कूल स्कूल को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। स्कूल यानी कि स्कूल का पार्ट आप भी बनने वाले हैं, यानी आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया, अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, कि कोई एक बच्चा किसी चीज को सीख पाता है या नहीं सीख पाता है, उसके पीछे हमें इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए, एक अटेंशन देना चाहिए बच्चे को, ताकि उसकी प्रॉब्लम को समझ के हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और जो चीज वो नहीं सीख पा रहा है उसे सिखाना चाहिए। या कोई बच्चा अगर अच्छे से सीख पा रहा है तो उससे भी चीजों को पकड़ के, उससे भी चीजों को समझ के, कि ऐसी क्या चीज थी कि ये बच्चा सीख गया और ये बच्चा नहीं सीख पाया, तो इस एक बच्चा जो सीख पा रहा है तो उसके जो प्लस पॉइंट को लेकर के हमें दूसरा बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है उसके अंदर वो चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका हो गया सी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन ए स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे ये दो क्वेश्चन हो गए जो इस पे आप काफी अपनी पकड़ बना सकते हैं कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर कैसे करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ध्यान से समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, किस तरह का सपोर्ट एक स्कूल प्रोवाइड कर सकता है एक इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चे के अंदर हो सकता है उसको डील करने के लिए, उसे उसे प्रॉपर मैनेज करने के लिए आप इंडिविजुअल डिफरेंस को किस तरह एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट, कि एज ए स्कूल हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो करिकुलम होना चाहिए वो हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, बच्चों के माइंडसेट, उनका लेवल, उनकी एबिलिटी, उनके अप्रोच और उनकी परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें करिकुलम डिजाइन करना चाहिए और उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि सीखने के कई सारे मौके हमें देने चाहिए, सिर्फ एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं, कई सारे देना चाहिए, जो भी बेस्ट लगता हो बच्चों को, जो भी जहां पर बच्चों का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उस चीज को पिक करके चीजों को समझ सके। तो हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। और ये जो अप्रोच होना चाहिए चाइल्ड सेंटर अप्रोच होना चाहिए, और जिसमें करिकुलम को भी उस हिसाब से हमें डिजाइन करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। हाँ, ऑप्शन बी को देखते हैं। इसमें बोला जाए अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट, हमें हर एक वो मेजर लेने चाहिए, हर वो स्टेप लेना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो बन के आ रहा है बच्चों के अंदर, एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो अलग अलग है, एक बच्चे के अंदर दूसरे बच्चे के अंदर जो फीचर क्वालिटी जो चीजें अलग अलग हैं उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि सबको एक जैसा बना देना चाहिए, कि किसी में ज्यादा है किसी में कम नहीं करना चाहिए, जिसमें भी कुछ अलग से यूनिक चीजें तो उनको यूनिक चीजों को लेबल कर देना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी, सी में आपसे बोला जा रहा है कि रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल, कि स्लो लर्नर जो है, जो बच्चे इजिली इन चीजों को नहीं सीख पाते, जिनकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी सी स्लो है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लास के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ये हो सकता है लिखने में थोड़े स्लो होंगे, चीजों को समझने में थोड़े स्लो होंगे, कॉन्सेप्ट को ग्रैप करने में थोड़े स्लो होंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इनको अलग स्कूल में, किसी स्पेशल स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को डील करना चाहते हैं एज ए स्कूल, स्कूल का मतलब यहाँ टीचर से है, क्योंकि टीचर ही स्कूल का एक पार्ट होता है, इसलिए पूछ ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में बोला गया फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम
फॉर ऑल स्टूडेंट, कि हर एक बच्चे के लिए सेम करिकुलर होना चाहिए, सेम मार्क होना चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है कि सब कुछ सेम होना चाहिए, मतलब बाकी चीजों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, इस चीज के ऊपर आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर करेक्ट आंसर क्या है उसको डील करते हैं या उसे डिस्कस करते हैं क्या सही हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर है उसका ए, ए करेक्ट है। करेक्ट क्यों है इसके अंदर, इसके अंदर ये जो बोला गया कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, करिकुलम उस हिसाब से बना देना चाहिए, बच्चे का लेवल हमें डिजाइन ध्यान रखना चाहिए, उन्हें लर्निंग के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी कि ये आपने जो बोला कि बच्चे की जो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को आप इस तरह से कैटर कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर यूनिक प्रॉब्लम जो हर एक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो हर एक बच्चे की अलग अलग इंडिविजुअल अटेंशन पे करके उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें खत्म नहीं करना है, बल्कि इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअल जो यूनिक एबिलिटी है उसके उस पर फोकस करके अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इस चीज के ऊपर ये बात करता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीसीई जो बोल देते हैं, जो आजकल इंप्लीमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, जो फॉरेन से जो हम लोगों ने बोरो किया हुआ एक सिस्टम है, जैसे बोल सकते हो आप कि सीसीई जो है वो एम्फेसाइज करता है, फोकस देता है किस चीज के ऊपर देता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार में से एक सही है, बाकी तीन गलत है, आपको बेस्ट आंसर अपना पिक करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू मेजर लर्निंग, कि हमें कंटिन्यूअस लगातार सतत बार बार हमें टेस्ट करना चाहिए और उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्केल को यूज करके इंश्योर करना चाहिए लर्निंग, यानी कि बार बार हमें टेस्ट करते रहना चाहिए टाइम ड्यूरेशन के बाद, और चेक करते रहना चाहिए कि भाई कि लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, उसको मेजर करता रहना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर आपसे बोला जा रहा है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, कि लर्निंग को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो भी लर्निंग हो रहा है उसके बारे में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन के बाद लास्ट में बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, जो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जहां पे भी लैग किया जा रहा है, वहां पे कैसे इंप्रूव किया कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर फोकस करता है सीसीई, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस जो इवेल्युएशन है आपका सीसीई, यानी कि ये डील करता है आपके पहले तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर उसको इंप्रूव करना चाहिए, इस चीज पे डील करता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन में जो बोला जाता है। अच्छा, सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में आपसे बोला जाए फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, कि टीचिंग और टेस्ट दोनों चीज के अंदर एक ट्यूनिंग बिठाने का काम करता है सीसी, यानी कि ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो एम्फसाइज करता है, फोकस करता है कि टीचिंग के अंदर और टेस्ट के अंदर एक कोरिलेशन बना के काम करना है हमें, ये बस इतना फोकस करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास, तो डी ऑप्शन में बोला जा रहा है रिडेंसिटी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन को इतना फोकस नहीं करना है, उसके उस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन का एक अल्टरनेटिव की तरह आप बोल सकते हैं ये सीसीई आ गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आपको अटेम्प्ट करना है और फिर डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर जो भी उसके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है बी, यानी कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्ड एंड प्रूव, कि लर्निंग को आप कैसे ऑब्जर्व, यानी कि बच्चों के परफॉर्मेंस उसकी लर्निंग चीजें जो है उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे उसके बारे में डाटा कलेक्शन या रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, कैसे एनालिसिस वगैरह कर सकते हो उसके परफॉर्मेंस को, और उसके बाद जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हैं उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो, इस चीज को डील करता है सीसीई। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके लिए बी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि स्कूल बेस्ड, आपने सुना होगा कि क्लास टेंथ में कुछ टाइम पहले ऐसा कर दिया गया था कि पहले बोर्ड होता था, सिंपल एक बोर्ड होता था, बट उसके बाद क्या कर दिया, एक बोर्ड हो गया, उसके बाद एक होम बोर्ड बना दिया गया कि जो बच्चा बोर्ड में अपेयर होना चाहता है बोर्ड में अपेयर हो जाए, जो बच्चा नहीं चाहता है डर लगता है भाई प्रेशर क्रिएट होता है उसके ऊपर कि बोर्ड एग्जाम में अपेयर नहीं होना चाहता, तो उनके लिए बोल दिया गया ठीक है आप दूसरे तरीके से एग्जाम दे सकते हो, जिसका नाम रख दिया होम बोर्ड, यानी कि असेसमेंट को एक दूसरा एक अलग मेथड क्रिएट कर दिया गया आप कह लीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप क्या है समझते हैं, ये बोला जा रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि एक तो स्कूल लेवल पे इवेल्युएशन हो रहा है और एक जो है बड़े लेवल पे हो रहा है जो पूरे
सारे स्कूलों का एक स्टैंडर्ड बना करके जो एक इवेल्युएशन हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन जो किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। तो ऑप्शन ए में है आपसे बोला जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो डाइल्यूट करती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे कंट्री में यूजली जो स्कूल टीचिंग के लिए जो है, क्लासरूम के लिए वगैरह के लिए जो सीबीएसई काम करती है हमारी कंट्री, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटी है, उसको डाइल्यूट करने का काम, उसको कम करने का काम करती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि यूनिवर्सल लेवल लेवल पर जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस को, जो अचीवमेंट को जो रिकॉर्ड किया जाता है या उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जा रहा था, उसको हाइड करने का काम करना है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है इसके द्वारा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के द्वारा। जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम होते हैं, जैसे क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के, तो बोर्ड एग्जाम में एक सिंपल सा काम ये होता है कि पूरे जितने भी स्कूल में, इंडिया में जितने भी स्कूल के अंदर इस एज ग्रुप के, इस क्लास के जो बच्चे हैं, उन सबका लेवल जानने के लिए, कि उनकी एक यूनिवर्सल रैंकिंग दी जाने के लिए एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन जब ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो जाता है तो हर स्कूल अपना अपना अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चन पेपर सेट करता है, अपना करिकुलम हो सकता है अपना अलग तरीके से पूरा करवाता है, तो उसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड वे जो पहले आ जाता था बोर्ड के साथ, वो अब नहीं आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोला है कि हेल्प्स ऑल स्टूडेंट टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोस, कि ये हेल्प करता है ज्यादातर उस बच्चे को, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी लर्निंग के लिए और उनकी जो प्रॉब्लम्स को, उनकी लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स जो आ रही है जिसको डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प करता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये बोला जा रहा है। और नेक्स्ट जो है डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल, ये टीचर को और स्टूडेंट को क्या करता है कि ये एक तरह से नॉन सीरियस बना देता है, यानी कि जो पहले बोर्ड के नाम से जो सीरियस होके काम कर रहे थे तो सीरियसनेस उसकी हटा देता है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर, और फिर उसे कैजुअल तरीके से छोड़ दिया जाता है कि कैजुअल टीचिंग या कैजुअल लर्निंग होती है इस बोर्ड स्कूल बेस्ड असेसमेंट के थ्रू। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपके हिसाब से स्कूल बेस्ड असेसमेंट को कैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये चार ऑप्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, फिर करेक्ट आंसर को डील करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आंसर करे एग्जाम के अंदर तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये एक सिंपल सा फंडा होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने पे। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही होते हैं, पर आपको जो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लिखने जा रहे हैं या सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए। हर सिस्टम का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन आपने जो फोकस करना है पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि जिससे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को कि आप पॉजिटिव पर्सन है और इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए आप बहुत कैपेबल हैं, प्रॉब्लम्स तो होती है पर आप डील कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको रखनी है अपने जब आप एज एस्पिरेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, तो मैं बताता हूं, जो सही आंसर है इसका सी है। सी क्यों है, इसलिए उसने जैसे बोला गया हेल्प ऑल द स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड थ्रू डायग्नोस, कि भाई जब स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है तो जो टीचर पढ़ा रहा है वही एग्जाम सेट करता है, तो उसे पता है कि भाई ये बच्चा ये प्रॉब्लम हो रही है इसकी लर्निंग के लिए, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर, और उस हिसाब से फिर उसकी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, यानी कि उसकी जो एरर को जो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट टीचर है वो कर सकता है। बोर्ड वाले को तो नहीं पता होता ना कि भाई पर्टिकुलर स्कूल में बच्चे का लेवल ये है, उसके स्टैंडर्ड ये है, उनकी लर्निंग स्टाइल ये है, इस चीज को बोर्ड इतना फोकस नहीं कर पाएगा। बोर्ड तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता है बट एक इंडिविजुअली हर एक बच्चे को जानना बोर्ड के लिए इतना इजी काम नहीं हो पाता है। तो बेस्ट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इसका हो सकता है वो यही है कि हेल्प करता है स्टूडेंट को कि ज्यादा सीखने के लिए और कैसे डायग्नोस करके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको नई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहे हैं, जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करने में काफी हेल्प करता है ये सिस्टम, यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर टू, कि रेडीनेस जो होता है वो रेफर करती है किस चीज के ऊपर, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड जो रेडीनेस है किस चीज को रेफर करती है। तो चार आपके पास आंसर है, चार टॉपिक्स अलग अलग जो ऑप्शन में फॉर्म में दिए गए हैं आपसे, तो उसमें से आपको बेस्ट आंसर अपना आइडेंटिफाई करना है यानी कि चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जनरल एबिलिटी
लेवल ऑफ स्टूडेंट की रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे रेफर किया जाता है कि जनरल एबिलिटी लेवल होता है ऑफ स्टूडेंट की, स्टूडेंट का एक जो जनरल एबिलिटी होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, ये तो ए की बात हो गई। बी में आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंटिन्यूम, तो लर्निंग के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग के लिए जो बच्चे का जो की जो पहले की तैयारी होती है उसके बारे में ये डील करता है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग आपसे ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोलता है सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग, कि बच्चे का जो नेचर होता है उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसके लर्निंग के काम को, लर्निंग के एक्ट को कैसे सेटिस्फाइंग करेंगे उसके बारे में ये रेफर करता है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग। और लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है थॉर्नडाइस लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइस जो है उन्होंने एक ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था तो उससे रिलेटेड आपसे ये डील करता है, बताता है कि बी थॉर्नडाइस ने जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था तो उसको रेफर करता है रेडीनेस ऑफ लर्निंग। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, एक बार चूज करिए फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जबरदस्ती क्वेश्चन के अंदर थॉर्नडाइक को घुसाया हुआ है, ठीक है, थॉर्नडाइक से कोई लेना देना नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। यानी कि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि भाई ट्रायल एंड एरर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, डी ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो गया, ठीक है, बस ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने सोचा यार थॉर्नडाइक है तो यानी कि हो सकता है यही सही आंसर, तो थॉर्नडाइक से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, कि ये रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आप बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कि आज राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे लेटर को फॉर्म करना है, लिखना है, छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए रेडीनेस ये है कि बच्चे को पेंसिल या पेन या जो भी कलर यूज करवा के जिससे आप लिखवाने की प्रैक्टिस आज स्टार्ट करवाने वाले, तो बच्चे कहते इतनी एबिलिटी हो कि वो पेन को, पेंसिल को अपनी उंगलियों में होल्ड कर सके, तो ये उस बच्चे के लिए क्या है, रेडीनेस है उसके लिए। आपने सुना होगा जैसे क्लास वन के बच्चे जब स्कूल के अंदर आते हैं तो उनके लिए एक महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना एक प्रोग्राम लॉन्च होता है हर स्कूल के अंदर, केवी के अंदर तो होता ही है कि भी एक रेडीनेस प्रोग्राम लॉन्च किया, डायरेक्ट बच्चा जैसे स्कूल में आता है उसको पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दिया, जबकि बच्चा आया और आपने शुरू हो गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता, पहले उनके लिए एक रेडीनेस प्रोग्राम रखा जाता है कि भी पढ़ाने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरी करें। जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना सिखाना है तो डायरेक्ट आप ये नहीं कि बोर्ड पे गए आपने लिख दिया बच्चा लिख लिया, बच्चा नहीं लिख पाएगा, ठीक है, वो अभी उस चीज के उस एनवायरमेंट में अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक रेडीनेस प्रोग्राम डाला जाता है जो कि उठाया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पियाजे की थ्योरी वहां से उठाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना था, तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसके अंदर है बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव लेवल है उसको समझने के लिए ताकि लर्निंग को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडीनेस का मतलब है कि पहले कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने, उसको तैयार करने से डील करता है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे ये। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी हो गया, ठीक है, प्याजे की थ्योरी को बार बार मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक की भी इंपॉर्टेंट है ट्रायल एंड एरर, लेकिन यहाँ पे आपको बस ये कंफ्यूज करने के लिए जब मतलब डाला गया है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में ये है आपसे पूछा जा रहा है, टीचर हैज सम फिजिकल चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर टू सी। अच्छा, आप मान लीजिए आप टीचर हैं, टीचर हो गए, टीचर की एज ए टीचर आप क्लासरूम के अंदर, तो आप देखते हैं आपकी क्लास में एक स्पेशल नीड वाला बच्चा, यानी कि फिजिकली चैलेंज एक बच्चा आपकी क्लास में आ जाता है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा कहना, ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। यानी कि ये एक तरह से केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरी तो सब जानते हैं लेकिन थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में, कहने का मतलब है आप तक जो टीचिंग प्रैक्टिस आप करके आए हैं या टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो बीएड वगैरह आप लोगों ने किया है या डिप्लोमा किया हुआ है आपने, ये सब क्या है, ये सब आपने थ्योरी में किया हुआ है, प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये कहाँ से मेजर होता है, कहाँ से चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपसे, तो वो चीजें आपसे जो जांच की जाती है आपके बारे में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे करके, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे करके, तो ये बोला जा रहा है कि आपकी क्लास में फिजिकली चैलेंज बच्चा है आप कैसे डील करेंगे, कैसे आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट चीज होगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर इन ऑन गोइंग टू हॉल। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में फिजिकली चैलेंज है, व्हील चेयर यूज करता है,
तो आप दूसरे बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा इसकी हेल्प कर दो, अगर हॉल में जाना है या हॉल से रिलेटेड या लैब या वगैरह किसी और जगह अगर उसे शिफ्ट करना है, तो उस बच्चे को आप बोल सकते हो कि बेटा कि दूसरों की हेल्प ले लो, और दूसरे बच्चों को आप बोल सकते हो कि इसकी हेल्प करना कि इसको वहां तक जाने के लिए, ठीक है, ताकि वो इजिली मतलब इजिली अब अपने जो बाकी जो काम है अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर दे, जैसे लाइब्रेरी जाना, किसी लैब में जाना, स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड में जाना होता है, जैसे हॉल में बोला, हॉल में मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा है वहां बच्चे को जाना है, तो उसमें कि बच्चा किसी और की हेल्प ले सकता है या फिर कोई और बच्चा उसकी हेल्प कर सकता है, इसके बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फिजिकली इनकन्वीनियंस्ड चिल्ड्रन मे डू ए अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। मान लीजिए बाकी क्लासरूम किसी साइंस लैब में जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इजीली मूव नहीं कर सकता, तो आप उसको अल्टरनेटिव कोई काम बोल के कि बेटा जब तक हम लोग लैब में जा रहे हैं ये काम कर रहे हैं, तुम बैठ के ये वाला काम कंप्लीट कर लो, कोई दूसरा अल्टरनेटिव काम उसको दे सकते हैं कि बाकी बच्चे मान ले खेलने जा रहे हैं, वो बच्चा खेलने के लिए इतना कैपेबल नहीं है, नहीं जा सकता, आप उसको बोलते आप क्लासरूम के अंदर बैठ के हेड डाउन कर लो वगैरह वगैरह, कुछ अदर एक्टिविटी उसको दे सकते हो, ये इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन सी के अंदर बोला जा रहा है आपको कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो, कैसे, जैसे इसमें बोला गया मोहन व्हाई डोंट यू यूज योर स्ट्रेचर टू गो टू द प्लेग्राउंड, मतलब मान लीजिए उस बच्चे का नाम मोहन है ऐसा बोला जा रहा है, तो आप उस मोहन को ऐसा बोल सकते हैं बेटा आप व्हील चेयर की जगह स्ट्रेचर यूज करिए, थोड़ा सा हिम्मत करिए और मूवमेंट करना स्टार्ट करिए, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अदर स्टूडेंट व्हाई नॉट यू यूज अदर देन व्हील चेयर, आप स्ट्रेचर इसकी यूज बैसाखी वगैरह का यूज आप कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है ताकि आपके अंदर एक मूवमेंट हो आपकी बॉडी के अंदर, कि तभी आप शायद ठीक भी हो जाए, तो थोड़ा सा पेनफुल होगा लेकिन आप हो सकता है कि आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव भी कर जाओ, तो इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन डी में के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि पोलियो एप्लीकेटेड चिल्ड्रन विल नॉट प्रेजेंट अ सॉन्ग, कि जो इस तरह के भी जो पोलियो रिलेटेड जो बच्चे उनको आप ये बोल सकते हैं कि बेटा आप ना कोई गाना सुना दो भाई, गाना प्रेजेंट कर दो, या कुछ और जो अल्टरनेटिव चीजें जो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता उसके जो अल्टरनेटिव कोई काम है, जैसे बोला कि सॉन्ग गाना वगैरह वगैरह इस तरह की चीजों में आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है आपसे ऑप्शन डी के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग आप बींग ए टीचर आप इस तरह के बच्चे को कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे आपसे पूछा जा रहा है, तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो हो सकता है कि वो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बता रहा हूँ कि आप एज ए टीचर आपने जो करना चाहिए वो करना चाहिए सी ऑप्शन, सी बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पहला बच्चा जो बच्चा पहले व्हील चेयर यूज कर रहा था, ठीक है, तो व्हील चेयर यूज कर रहा था, पूरा डिपेंड था वो व्हील चेयर के ऊपर, आप उसे मोटिवेट करिए क्रेचर के ऊपर कि बेटा आप वैसा की यूज कर लो ताकि थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी लगे और अपनी कंडीशन इंप्रूव करो, जब बच्चा वैसा की वगैरह यूज करने लगे फिर कुछ टाइम के बाद आप उसे बोल सकते हो कि बेटा थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करो थोड़ा, तो हो सकता है कि आप उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करने लग जाएं, फिर वो अपने जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी है उस बच्चे के अंदर है तो थोड़ा इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा लेकिन बाद में उसके अंदर शायद उसकी कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है, यानी कि उसे आप नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, वो उसे कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं या ऐसा वैसा, आप नॉर्मल बच्चे की तरह उसे ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उसे ये कैपेबल बना रहे हैं कि आप वो बिना दूसरे की हेल्प लिए अपना काम खुद से करें, इस तरह आप उसे कैपेबल बना रहे हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको कुछ लगता है कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे तो कमेंट करके वो भी बताइए ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों से सीख करके कुछ। हाँ, और आप डेली इस चैनल पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है, जो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम में प्रिपेयर करें या अदर एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर या जनरल स्टडीज का पोर्शन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो सुबह 7 बजे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं सुबह 7 बजे, और शाम को 7 बजे ये वाली वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ, जिसमें हम टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज क्वेश्चन की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड सेट प्रिपरेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन दबाने से और उस पर ऑल पर टिक करने तो सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल लैपटॉप या जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।